Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में, और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रही हैं, आदत हो गई है उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने की, और पीछे हम देख भी पा रहे हैं इतने सारे जो है रिकॉर्ड जो है उनके नाम हो रखे हैं। सुफियान, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू सो मच। सुफियान, 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, और अब अगर हम अपने स्पोर्ट्स तक फैमिली मेंबर्स को बताना चाहें तो आप हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि अल्ट्रा रनर जब हम उनको बताते हैं तो वो एक चीज है जो इंडिया में नई चीज है, तो वो किस तरह आप समझाएंगे हमारे स्पोर्ट्स तक फैमिली मेंबर्स को कि अल्ट्रा रनर्स क्या होते हैं? जी, एक्चुअली मेरी जो अभी तक की जर्नी रही है वो ऐसे रही है कि स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा अपनी लिमिट्स को पुश कर पाऊंगी। बस एक फिटनेस पर्पस के लिए रनिंग शुरू किया था, बट वो कब पैशन में बदल गया पता ही नहीं लगा। और अभी जैसे कहते हैं कि अल्ट्रा रनिंग का जो कल्चर है इंडिया में अभी डेवलप हुआ है और लोग अभी समझ रहे हैं इस चीज को। तो मैंने जब रनिंग शुरू किया, मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, फिर इंटरेस्ट आया कि अपनी लिमिट्स को पुश करके देखते हैं जो ह्यूमन बॉडी है वो कहाँ तक किस लिमिट तक जा सकती है। बट अब ये जाके पता लगा कि कोई लिमिट नहीं होती है, जो सारी लिमिट्स होती है वो हमारे माइंड में होती है। तो अल्ट्रा रनिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि बस रन करते रहे अपना जो एक कंफर्ट जोन में रह के रन करे, लिमिटलेस रन करे। तो उसमें जो सारी चीज है वो लिमिट्स को पुश करने की है, क्योंकि यहाँ पे माइंड गेम बहुत बड़ी चीज है। तो अपने माइंड को प्रिपेयर करना उस डिस्टेंस तक के लिए कि किसी लिमिट से आप परे जाके रन कर रहे हैं, तो बस उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने शुरू किया। और अभी तक की जर्नी ये रही है कि जैसे जैसे एक्सपीडिशन करती जा रही हूँ, अल्ट्रा रनिंग करती जा रही हूँ, तो वैसे वैसे मुझे एक पुश मिल रहा है, कॉन्फिडेंट मिल रहा है आगे उससे कुछ बड़ा करने का। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स तक फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक बार फिर बता देती हूँ, सुफियान ने 6 दिन 12 घंटे 6 मिनट में 480 किलोमीटर जो है रन किया है ऑन फुट। एक मतलब सुफियान मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये बोलते हुए, ये एक्सपीरियंस कैसा था और कहाँ माइंड में आया कि आपको इतना लंबा भागना है? एक्चुअली जब मैं पहले 2 रिकॉर्ड बना चुकी थी कश्मीर से कन्याकुमारी और गोल्डन बैड गेटल वाला, तो 2019 में, राइट? जी जी, 2019 में, फिर 2021 में बनाया था। एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि अभी उससे हटके कुछ और ज्यादा चैलेंजिंग करते हैं, जिसमें अपनी जो लिमिट्स है उनको वाकई में पुश करने वाली जो बात आती है, एक सर्वाइवल वाली बात आती है कि आपको ऐसी कंडीशन में रन कर रहे हैं जहाँ पे आपको जिंदा रह सके। तो मेरे साथ जैसे मैं बीइंग अंडर आर्मर एथलीट और उनका जो एक फिलॉसफी है पुश योर लिमिट्स का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे हेल्प किया मेंटली अपनी लिमिट्स को पुश करने में। उनकी जो फिलॉसफी है और मेरा जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं आपस में मिल करता है, और मैं इसी माइंडसेट के साथ काम करती हूँ कि अपनी लिमिट्स को पुश करना है और उन कंडीशन में सर्वाइव करना है जहाँ पे एक लिमिट्स को क्रॉस करने की बात होती है, बाउंड्रीज को क्रॉस करने की बात होती है। तो इस चैलेंज को मैं लेना चाहती थी, क्योंकि मनाली टू लेह जो पैच है पूरा वो वर्ल्ड के टफेस्ट रूट में आता है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल 50-60% ही रह जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड है, काफी सारी चीजें ऐसी थी। तो मैं ये चैलेंज लेना चाहती थी, बिकॉज अभी तक इस पे किसी ने रन नहीं किया था फीमेल ने, तो ये चैलेंज मैं लेना चाहती थी। और जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई वहां पे तो मुझे पता लगा कि कितना ज्यादा मुश्किल है। चल हम बात करते हैं रन की, वहां पे लोग जब बाइकिंग करते हैं या गाड़ी से भी जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं और उनको वो सब चीजें फील होती हैं, बट मैं ये चैलेंज लेना चाहती थी और मैं देखना चाहती थी कि हम यहाँ पे जब रन करेंगे या जब वॉक करेंगे हाई पासिस पे तो बॉडी की कंडीशन क्या रहती है, कैसे अपने आप को पुश कर पाते। तो सारा कुछ पुश योर लिमिट्स वाला एक वो जज्बा था और फाइनली जो उसको कर पाई टाइम लिमिट्स के अंदर, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ टाइम। सुफियान, मेरे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला कि इंडिया में ट्रैक एंड फील्ड अगर देखा जाए तो उसमें एथलीट्स होते हैं, तो आपने अल्ट्रा रनर ही क्यों चूज किया, व्हाई नॉट ट्रैक एंड फील्ड? मैंने व्हेन आई वाज विद एविएशन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 10 इयर्स स्पेंड किए वहां पे, तो उस वक्त ऐसा टाइम था कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी जॉब से भी,
और अपनी एक कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल था उससे भी, बस उससे बाहर आने के लिए मैंने फिटनेस पर्पस के लिए रनिंग शुरू किया कि सिर्फ रन करना है फिट रखने के लिए. बट इंटरेस्ट आता गया, मैराथन्स में पार्टिसिपेट करती गई. फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो एक रनिंग है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के जाएं, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर जरा सी दूरी पे हर चीजें चेंज हो जाती है, बदल जाती है. अगर हम वेदर की बात करें, कल्चर की बात करें, हर चीज की बात करें, वो चेंज हो जाता है. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस चीज को और एक्सप्लोर करना चाहती थी रनिंग के थ्रू भी अपने इंडिया को, और एक जो हमारा मैसेज था पॉजिटिविटी का, उस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए. मुझे लगा कि अल्ट्रा रनिंग इज द बेस्ट वे अगर आप किसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं किसी जगह. इसलिए मैंने अल्ट्रा रनिंग वाला पार्ट चुना ताकि मैं जगह पे जा जाके अपना मैसेज दे सकूं, लोगों से मिल सकूं, उनसे जुड़ सकूं और अपना ये मैसेज दे सकूं. प्लस एक जो अपनी लिमिट्स देखना चाहती थी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कितना लंबी दूरी तक दौड़ सकती है. तो बस वही सारी चीजों को लेकर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी. आपने बताया कि आप एविएशन सेक्टर से एसोसिएटेड थी, कितना मुश्किल था आपको अपना रेगुलर जॉब गिवअप करना? मुश्किल तो बहुत था, लेकिन उस वक्त पैशन ऐसा था कि मैंने कुछ नहीं सोचा. मुझे ये लगा कि बस अभी जो मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी वाला ये एक्सपीडिशन सोचा है उसको पूरा करना है, क्योंकि उसी दौरान मुझे जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ. और मुझे बोल दिया गया था कि या तो आप रनिंग चूज करें या फिर जॉब में से एक चीज चूज करें. तो मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल एक ट्रैक पे रहूं, या तो मैं जॉब ही करूं या फिर मैं रनिंग ही करूं. तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी. चैलेंजेस थे उसके अपने भी काफी. स्टार्टिंग के बोलते ना कि जो चैलेंजेस होते हैं, जो मुश्किलें होती हैं, वो स्टार्टिंग की होती है. तो उसके चैलेंजेस अलग थे, परेशानी अलग थी, बट उसको फेस किया किसी तरह, क्योंकि वो जो जज्बा था वो बड़ा था. तो वो एनी हाउ कम्प्लीट हुआ, बट इसी तरह से आगे बढ़ते गए और एक्सपीडिशन करते गए. कितना जो आप कह रहे थे चैलेंज था, चैलेंज ज्यादा फिजिकल था या मेंटल था? चैलेंज जो कहते हैं फिजिकल मेंटल दोनों ही इसके अंदर काम करता है. बिकॉज यहाँ पे जो अल्ट्रा रनिंग की जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इट्स ऑल माइंड गेम. हम कहते हैं ना एक माइंड सेट होना चाहिए अल्ट्रा रनिंग का, बिकॉज आप एक जब लंबी दूरी तक दौड़ रहे हैं, पर डे आपको 50 किलोमीटर कवर करने हैं, 60 किलोमीटर कवर करने हैं, और डेली आपको तैयार होना है नेक्स्ट डे के लिए. तो मुझे ये लगता है कि उसके लिए सबसे पहले माइंड को ट्रेन करना जरूरी है. जब तक हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम फिजिकली प्रिपेयर हो पाए. तो यहाँ पे माइंड गेम बहुत बड़ी एक कहते हैं ना अपना वो रखता है, जगह रखता है. नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? इतने सारे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने नाम दर्ज कर लिए, नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट अभी यही है कि जैसे जैसे एक्सपीडिशन होते जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं उससे बड़े चैलेंजेस लूँ. तो अभी जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है 2024 में रनिंग अराउंड द वर्ल्ड का सर्कमवेलिगेशन. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पूरा करूँ, जो कि अभी तक आज तक किसी ने ऑफिशियली वो पूरा नहीं किया है. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि पूरी पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो कंट्रीज हैं जो सर्किम नेविगेशन में जितनी भी कंट्रीज आ रही है उनको ऑन फुट कवर कर. तो अभी तक मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है, प्लानिंग यही है. सुफियान, अगर स्पोर्टिंग वर्ल्ड की बात करें, इतने सारे खिलाड़ी हैं, किसी एक को अगर आपको पिक करना हुआ आपके साथ अल्ट्रा रनिंग के लिए, तो आप किसको पिक करेंगे? ऐसे बहुत लोग हैं जो जैसे कहते हैं ना कि आप जगह जगह पे जाते हैं तो वो आपको इंस्पायर करते रहते हैं. तो मेरी लाइफ में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने मुझे इंस्पायर किया. मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया है, वेदर वो कोई नॉर्मल इंसान ही है रोड पे भागता हुआ, या किसी को काम करते हुए देखते हुए, या फिर मैं अपने पार्टनर की बात करूँ. स्पोर्ट्स में कई ऐसे लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं अल्ट्रा रनिंग में. जैसे अभी इंटरनेशनली हम देखें तो एक नाम है उनका, दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे नाम. आप मुझे इंडिया से अगर बताइए किसी एक खिलाड़ी को, किसी भी डिसिप्लिन में से, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, किसी एक को अगर आपको अपना रनिंग पार्टनर बनाना हो तो वो कौन होगा या होंगी? ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में, तो क्योंकि सिर्फ रनिंग में देखा जाए तो अभी अल्ट्रा रनिंग के अंदर काफी, अभी जैसे कहते हैं कि कल्चर डेवलप हो रहा है. और हाँ, मैं बात कर रही थी कटनी की. अच्छा.
जी, कटनी की बात कर रही थी क्योंकि वो उनको देखिए बहुत सीखा है मैंने, उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं और यूट्यूब पे काफी देखी थी मैं आपकी, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट पे मुझे हेल्प मिली है अपनी बॉडी को पुश करने में उनको देख। और अगर इंडिया में बात करें तो मेरे अभी अब तक एथलीट थे, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं है मिल्खा सिंह, तो मैं चाहती थी कि लाइफ में कभी उनसे एक बार मिलूं और उनके साथ कभी थोड़ा सा रन कर पाऊँ, बट सडनली ये सब हुआ और वो हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं बड़ी ये कर रही थी कि मैं उनके साथ कभी रन कर पाऊँ। बाकी जैसे कहते हैं ना कि जो पूरा स्पोर्ट्स है, जरूरी नहीं है कि वो एक रनिंग का ही कोई एथलीट हो, ऐसे काफी सारे एथलीट्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, चाहे वो किपचोगे खेलो या इंडिया से अभी रिसेंटली हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं एथलेटिक्स में, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है वो है, तो मैं आप चाहती नीरज हूँ जी कि को, अगर मैं बोलूं कि आप नीरज जी को एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या होगा वो मैसेज, कि क्या आप नीरज को ये बोलना चाहेंगे, नीरज कम एंड रन विद मी, ऐसा कुछ होगा? मैं सबसे पहले उनको ये मैसेज देना चाहूंगी या अपनी तरफ से कि जो उनकी एक जो स्पिरिट है स्पोर्ट्स को लेके, वो अलग, जब भी हम उनके इंटरव्यूज देखते हैं या उनका एक जो पैशन देखते हैं, जो उनकी स्पिरिट है वो सबसे बड़ी है सबको इंस्पायर करने की, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जिस तरीके माइंडसेट के साथ वो खेलते हैं उसको वो बरकरार रखें, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कभी वो मेरे साथ रन जरूर करें। तो जरूर मेरी नेक्स्ट टाइम जब नीरज से बात होगी, ये मैसेज मैं जरूर आपका पास ऑन कर दूंगी। लेकिन एक आखिरी सवाल जाते जाते सुफियान आपसे बात पूछना चाहूंगी कि अंडर आर्मर का कितना अहम रोल रहा है इस पूरे जर्नी में आपके लिए? बींग अंडर आर्मर एथलीट, हम जब हम गोल्डन ग्लैडिएटर का प्लान कर रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी के बाद वाला, तो 2020 में उनसे हमारा कनेक्शन हुआ, और बहुत कम टाइम था हमारे पास और बहुत कम टाइम में ही हम उनसे जुड़े, बट उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। एंड मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि इट्स नॉट ऑल अबाउट गियर और अपेरल, उनका जो एक खुद का जो कहते हैं ना एक फिलोसफी है, जिसे मैंने अभी पहले भी शेयर किया, पुश योर लिमिट्स की, वो दिखता है कि वो अपने एथलीट को पूरे उस स्पिरिट के साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपनी लिमिट्स को पुश करें। और जहां तक की बात है गियर की, मैंने जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में मकीना उनके जो शूज हैं वो यूज किए और मुझे काफी कंफर्टेबल लगे, और मैं खुद सरप्राइज थी कि मुझे कहीं भी ब्रिस्टल नहीं आया 6,000 किलोमीटर में, बहुत कंफर्टेबली मेरा हुआ। और एक बहुत अहम पार्ट रखता है गियर का आपकी जर्नी के अंदर, जब आप अल्ट्रा रनिंग कर रहे हैं स्पेशली, कि वो कंफर्टेबली हो पाए और बिना किसी इंजरी के हो पाए, तो ये सारी चीजें हैं। और अभी तक मेरा बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है उनके साथ में, जैसे कि ले मनाली वाला जो एक्सपीडिशन था उसमें भी जो एक फिलोसफी थी उनकी पुश योर लिमिट्स की, उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किया उस वक्त मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करने में, और मैं गिव अप ना करूं उसके लिए। तो बहुत जी बहुत शुक्रिया सुफियान हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप भागती रहें और इंडिया का नाम जो है रोशन करती रहें। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।